नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कैप्टन की फोन में। आज बताने जा रहे हैं कि ICDS निदेशालय द्वारा आपके पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन के बारे में एक निर्देश जारी कर दिया गया, जिसके संबंध में पत्र जारी कर दिया। बार बार आप लोगों को जो बताया जा रहा था कि पोषण ट्रैकर में एंट्री कर लीजिए, तो वो कब तक एंट्री कर लेनी है उसका डेडलाइन फिर आ गया है। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो में बने रहिए, बढ़ते हैं आगे। तो ये पत्र आया है 27/64/25/5/21 को सहायक निदेशक महोदय द्वारा गया है, सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को आया है। कॉपी में होगा आपके सभी जिला प्रोग्राम बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, प्रखंड समन्वयक, सभी जिला पदाधिकारी, सबको गया है लेटर। तो इसका विषय जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, देखिए, पोषण अभियान अंतर्गत पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन पर 100% लाभार्थियों को जोड़ने के संबंध में, मतलब पोषण ट्रैकर में जो आपका टैब दिया गया है, गर्भवती, प्रसूति, 3 से 6 साल के बच्चे, 6 माह से 3 साल के बच्चे, 0 से 6 माह के बच्चे, उनको आपके द्वारा 100% एंट्री की गई कि नहीं की गई, उसी के रिगार्डिंग ये पत्र आया है। और उसमें आपको एक डेडलाइन दे दिया गया है कि इतना तक आप अपना 100% कर लीजिए। इसके पहले भी एक पत्र आ चुका है 26/63/28/4/21 को, इसी के रिगार्डिंग आप लोग से जो एंट्री करवाई जा रही थी वो हो रही थी, अब डेडलाइन दे दिया गया है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या कहा गया है। उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि पोषण अभियान अंतर्गत पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन पर 100% लाभार्थियों को जोड़ने के लिए निर्देशित किया गया था। पूर्व में आप लोगों को कहा गया था कि 100% आप अपने लाभार्थियों को एंट्री कर ले पोषण ट्रैकर में, परंतु कुछ जिलों का प्रदर्शन अभी अत्यंत असंतोषजनक है। आप अवगत हैं कि भारत सरकार से प्राप्त निर्देश के आलोक में दिनांक 30 मई, देख ली, यही आपका डेडलाइन हो गया है। अब पोषण ट्रैकर में आपको 30 मई तक जितने लाभुक है आपके रजिस्टर में, जितने लाभुकों को आपके द्वारा लाभ दिया जाता है, उसका पोषण ट्रैकर में सभी कैटेगरी वाइज टैब में 100% एंट्री कर देनी है। कि किस तारीख को, 30 मई 2021 तक सभी सेविकाओं के द्वारा लाभार्थियों को पोषण ट्रैकर में जोड़ा जाना अनिवार्य है। ये देख लीजिए, यहाँ कोई कोई जो मटिया रहा है, चाह रहा है कि चलिए होगा, तो उसके लिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ही गाइडलाइन है कि सभी लाभार्थियों को जोड़ना अनिवार्य है, परंतु इसकी प्रगति असंतोषजनक नहीं है। सुलभ प्रसंग हेतु 70% से कम लाभार्थियों को जोड़ने वाली परियोजना की विवरणी संलग्न है। अब इसकी विवरणी संलग्न करके जिला प्रोग्राम पदाधिकारी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के यहाँ भेज दी गई है, जिनका 70% से कम एंट्री हुआ है। अतः निर्देशानुसार अनुरोध है कि दिए गए निर्देश के आलोक में दिनांक 30 मई 2021 तक पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन पर 100% लाभार्थियों को जोड़ना सुनिश्चित करें। तो अब आपके पास जितने भी लाभार्थी हैं बचे हुए हैं, तो उनको 100% आप लोग 30 मई तक जोड़ लीजिए। और इसमें किसी प्रकार की समस्या होती है तो आप मुझे कमेंट करिए, मेरे कमेंट बॉक्स में मैं उसका समाधान बताऊंगा। अगर आपके लाभार्थी मान लीजिए गलत हो गया है, किसी प्रकार की समस्या हो, तो आप उसमें मेरे कमेंट बॉक्स में डालिए, हम बताएँगे आपकी समस्या का समाधान। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया कर लीजिए चैनल। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और फिर मिलते हैं आपसे नए वीडियो में तुरंत ही। बहुत बहुत धन्यवाद।